हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तौजदर। एज यू नो दैट बीडी चौरसिया सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में कार्पल बोन्स की बात की थी। इन दिस वीडियो आई विल बी टेल यू अबाउट मेटा कार्पल बोन्स। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, जिससे कि उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अगर किसी को इसका नोट चाहिए या प्रीवियस वीडियो का नोट चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेटाकार्पल बोन्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे हाथ में, यानी कि मेटाकार्पल बोन्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे हाथ में 5 मेटाकार्पल बोन्स होती हैं। वो कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान रखना, लेटरल टू मीडियल साइड एंड कॉन्वर्ट। हमारा जो थंब होता है वो लेटरल साइड होता है, यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से रखें तो ये हमारी रेडियस क्या होती है, लेटरल साइड होती है, तो रेडियस क्या हो गई है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकेंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल और फिफ्थ मेटाकार्पल, इस तरीके से होती है। यानी कि ये हमारा इसके फाइट बोन है और इसके फाइट बोन के जस्ट ऊपर आपको मिलेगी ट्रेपेजियम बोन, और ट्रेपेजियम के जस्ट अबव क्या मिलेगी आपको, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये फिफ्थ बोन है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इसमें तो ये क्या होती हैं, ये 5 मिनिएचर लॉन्ग बोन होती हैं, या मिनिएचर का मतलब होता है शॉर्ट बोन। अगर आपको पता हो, जब मैंने बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी की बात की थी तो मैंने वहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया था बोन के क्लासिफिकेशन में, तो ये कैसी कैसी बोन बताई थी मैंने वहाँ पर भी आपको, शॉर्ट लॉन्ग बोन बताई थी। तो ये शॉर्ट लॉन्ग बोन है हमारी। तो जैसे लॉन्ग बोन में मैंने बताया था आपको, उसके पार्ट 3 पार्ट होते हैं लॉन्ग बोन में, तो इसके पास भी क्या होंगे, 3 पार्ट होंगे। यानी कि ये डिस्टल एंड होगा इसका, डिस्टल एंड, प्रॉक्सिमल एंड और शाफ्ट। तो डिस्टल एंड को बोलते हैं हेड और इसके प्रॉक्सिमल एंड को बोलते हैं बेस। और ये कैसा होता है, इरेगुलरली एक्सपेंडेड होता है, इरेगुलर आपको दिखेगा, कोई रेगुलरिटी नहीं मिलेगी आपको यहाँ। और हेड कैसा है, राउंडेड, आपको राउंडेड नजर आएगा। तो ये 3 पार्ट है, और इसके जो बीच वाले पार्ट को क्या कहेंगे हम, इसको शाफ्ट कहेंगे, जैसे कि लॉन्ग बोन में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अब बात कर लें हम इसकी हेड की, तो हेड में बेसिकली क्या होगा, इसकी आर्टिकुलर सरफेस की बात करें हम, तो आर्टिकुलर सरफेस इसकी कौन सी होगी, ये वाली सरफेस होगी। तो ये जो आर्टिकुलर जो सरफेस है इसकी, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होती है, ज़्यादा ही होती है देन लेटरल। अगर हम लेटरल साइड से देखें तो मतलब हम अपने बोन्स को इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो होती है इसकी, ये एंड होगा अपर एंड, तो इसीलिए हम अपने ज़्यादा मूवमेंट कैसे तरीके कर सकते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं इस तरीके से। तो इसका एंटीरियर पोस्टीरियर आर्टिकुलर सरफेस क्या होता है, ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू लेटरल साइड। तो हम लेटरल ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते जितना एंटीरियर और पोस्टीरियर कर पाते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें पाल्मर और डॉर्सल सरफेस की, तो पाल्मर सरफेस यानी कि इसका जो पाल्मर सरफेस होगा ये, यानी कि इस साइड का, जैसे कि ये पाल्मर सरफेस है हमारे हैंड का, तो यहाँ पर क्या होगी, फर्स्ट सेकेंड मेटाकार्पल होगी और यहाँ फर्स्ट होगी ये वाली। तो इसका जो पार्ट होगा ये सरफेस, ये पाल्मर सरफेस ग्रेटर होगा डॉर्सल सरफेस से। जब हम फ्लेक्शन करते हैं, इस तरीके फ्लेक्स करते हैं, तो ये जो पोर्शन देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर ये रेस्ट रहती हैं, रुकी रहती हैं ये हमारी फ्लेंजेस, तो उसकी को बोलते हैं नक्कल्स। ध्यान रखना इस टर्मोलॉजी को, नक्कल्स बोलते हैं। ये जो पार्ट है आपका हेड में, अब हम शाफ्ट की बात कर लेते, शाफ्ट में अगर इसमें आपको क्या मिलेगा, बेसिकली एक बात और ध्यान रखिएगा आप, इसके हेड में क्या अगर होगा, जो एक्सपेंडेड होगा साइड टू साइड होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। दिख रहा है से आपको हर पिक्चर में देखेंगे साइड टू साइड क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा। इस शाफ्ट की बात कर लें तो इसका ये शाफ्ट जो होगा वो कॉनकेव होगा पाल्मर सरफेस से, यानी कि इसकी जो पाल्मर सरफेस दिख रही है हमें ये, तो ये कॉनकेव होता है, यहाँ कैविटी नजर आएगी आपको। अगर वैसे भी देखें हम तब भी कैविटी नजर आती है हमारे हैंड में, तब इसमें रियल में ओरिजिनल जो बोन होंगी वहाँ पर अगर चेक करेंगे आप तो आपको, तो पाल्मर सरफेस पर क्या मिलेगी, कॉनकेव सरफेस नजर आएगी। और मेटाकार्पल बोन्स की अगर हम इसकी डॉर्सल सरफेस देखें, यानी कि डॉर्सल सरफेस कौन सी होगी, ये वाली जो सरफेस होगी, तो ये आपको मिलेगी डॉर्सल सरफेस फ्लैट मिलेगी। और साथ में इसकी हम बात करेंगे डिस्टल एंड, डिस्टल एंड कौन सा, ये वाला एंड, ये डिस्टल एंड है इसके, तो आपको ये ट्रायंगुलर एरिया नजर आएगा इसके डिस्टल पार्ट में आपको, वो भी डॉर्सल सरफेस पे। तो डिस्टल मतलब ट्रायंगुलर सरफेस किस तरीके, कुछ इस तरीके से होगा आपको, पीछे से ऐसे और फ्रंट पार्ट इस तरीके से ट्रायंगुलर नजर आएगा। अगर हम बात करेंगे इस तरीके से तो इस तरीके से होगी, फिर उसके बाद फ्लैट हो जाएगी, जो नेकल्स बनाने में भी, फॉर्मेशन में क्या करती हैं, ये पार्टिसिपेट करती हैं, मोर प्रोमिनेंट करती हैं नकल्स को, कौन, इसके ट्राइंगुलर
या फिर डॉर्स सरफेस, वो भी स्पेशली डिस्टल सरफेस, किसकी? मेटाकार्पल की। फिर उसके बाद बात करें हम इसके, ये तो थी हमारी 5 मेटाकार्पल बोन्स। अब बात आती है इसको आखिरकार हम इसको साइड डिटरमिनेशन कैसे करेंगे हम। सो साइड डिटरमिनेशन करना बहुत ही हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस होता है वो देख लीजिए, साइड कैसे डिटरमिनेशन करेंगे। मैंने आपको बताया इसमें क्या होंगे, 3 पार्ट होंगे, यानी कि इसका जो डिस्टल एंड होगा वो कैसा होगा, राउंडेड होगा, शाफ्ट मिलेगा आपको इसमें, शाफ्ट में बता दिया आपको इसकी वो पाल्मर सरफेस होगी वो कॉनकेव होगी, और इसकी जो डॉर्सल सरफेस होगी वो, यानी कि हम बात करें इसके हेड साइड से, तो यहाँ पर यानी कि डिस्टल एंड में आपको क्या मिलेगी, ट्रायंगुलर सेम मिलेगी, और लोअर एंड में आपको फ्लैट नज़र आएगा आपको। फिर इसके बाद इसके लोअर एंड की अगर बात करें हम, इसे बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल पार्ट, तो ये इररेगुलर होगा। बेसिकली इसकी फर्स्ट मेटाकार्पल जो बोन होती है वो शॉर्टेस्ट होती है अदर से, जो अदर बोन्स होंगी उनसे एक शॉर्टेस्ट होगी फर्स्ट बोन, फिर एक लिटिल भी आपको जिसे बोलते हैं वो भी स्लाइटली होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो इस तरीके से आप पता लगाएंगे इसकी साइड डिटरमिनेशन करेंगे। दूसरे इसमें कुछ पॉइंट और हैं जिसके आप इसे पता लगा सकते हैं इसकी, कि ये कौन सी साइड की बोन है। जैसे कि जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है, इस फर्स्ट मेटाकार्पल बोन में आपको इसका एंटरोलेटरल सरफेस होगा, यानी कि इसका एंटीरियर और कौन सा लेटरल सरफेस की बात कर रहे हैं हम। तो यानी कि इस तरह की साइड में देख लीजिए, इसका एंटीरियर और लेटरल, यानी कि इस साइड का जो सरफेस होगा आपको वो कैसा होगा, बेसिकली बात करें तो लार्जर होगा देन एंटेरोमीडियल सरफेस से, आपको ये सरफेस ज़्यादा मिलेगा और ये थोड़ा स्लाइटली कम होगा। एक पॉइंट आप इससे पता लगा लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट मेटाकार्पल के लिए। फिर सेकेंड मेटाकार्पल के लिए आपको जो ग्रुप्स मिलेगा, तो बेस पे मिलेगा ग्रुप्स, बेसिकली ध्यान रखना ग्रुप्स जो मिलेंगे आपको यहाँ पे बेस से नजर आएंगे यहाँ से, तो इस बेस पे इसका ग्रुप्स का मीडियल एज, यानी कि जैसे ग्रुप्स होता है यानी कि गड्ढे टाइप का होता है इस तरीके से, तो ये जो एजेस होंगी अगर हम इसको ले लें तो मान लें सपोज ये लेटरल एज होगी, लेटरल एज और ये मीडियल एज, तो बेसिकली यहाँ बात ये कही है मीडियल एज क्या होगी, ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू लेटरल एज से। जैसे कि ये सेकेंड मेटाकार्पल बोन्स है और यहाँ से कहीं से भी जो है ग्रुप्स निकलेगा, तो जब ग्रुप्स निकलेगा तो उसकी लेटरल सरफेस ये हो गई, और उस ग्रुप्स में भी बेसिकली लेटरल पार्ट इस साइड पे होगा, मैंने लेटरल साइड पे एज, और मीडियल हमारे बॉडी के साइड पे होगा, इस हिसाब से हम पता लगाएंगे। तो उसमें आपको ये दो चीज़ें नजर आएंगी। फिर बेसिकली बेस में आपको इसमें और क्या मिल सकता है, वो भी मीडियल साइड पे, यानी कि बेस पर और मीडियल साइड पे आपको आर्टिकुलर स्ट्रिप मिलेगी यहाँ पर, यानी आर्टिकुलर स्ट्रिप कुछ इस तरीके से होगी जैसे किसी से वो आर्टिकुलेट होगी, वो किससे होगी बेसिकली, या तो हमारे थर्ड मेटाकार्पल बोन से क्या होगी, आर्टिकुलेट होगी बेसिकली, जैसे कि यहाँ से देख रहा है आपको शायद। फिर मैं उसके बाद बात करूँ इसके थर्ड मेटाकार्पल की, थर्ड मेटाकार्पल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, इसमें आपको क्या मिलेगा, एक स्टोलाइट प्रोसेस मिलेगा, वो भी डॉर्सो लेटरल सरफेस पे, डॉर्सल पीछे की तरफ और लेटरल तरफ, तो डॉर्सो लेटरल साइड पे आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इस थर्ड मेटाकार्पल पे स्टोलाइट प्रोसेस मिलेगा, यानी कि स्टोलाइट प्रोसेस हमने रेडियस और अल्ना पे पढ़े थे और यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना। फिर उसके बाद इसी थर्ड पर आपको लेटरल और मीडियल साइड पे, दोनों बेस की बात करें तो हम, तो लेटरल यानी कि लेटरल कौन सी होगी, ये वाली, तो इसकी इस तरीके साइड पर लेटरल साइड पर आपको क्या मिलेगी, आर्टिकुलर स्ट्रिप मिलेगी, यानी कि इसमें सेकंड पे मिली थी और थर्ड पे मिल रही है आर्टिकुलर स्ट्रिप, तो एक दूसरे में क्या बनेंगे, बाइंड करेंगे, ये आर्टिकुलर सरफेस होगी एक टाइप की। फिर मीडियल साइड में आपकी बात करें इस साइड पर, तो इस साइड पर आपको 2 स्मॉल ओवल फैसेट मिलेंगे, फैसेट जो होते हैं बेसिकली किसी से अटैच होने के लिए होते हैं फैसेट्स, ठीक है। फिर ये ओवल होंगे यानी कि राउंडेड होंगे, आपको जब देखेंगे आप कुछ इस तरीके से नजर आएंगे आपको कि दो तरीके जो किसी से अटैच होंगे, और बेसिकली किससे अटैच होंगे, वो हमारे बात करें तो हम फोर्थ मेटा कार्पल बोन से अटैच होंगे, वो भी मीडियल साइड से, तो इससे अटैच हो जाएंगे यहाँ पे। फिर फोर्थ मेटा कार्पल को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसमें भी आपको बेस से ध्यान रखना है, इसके अपर एंड बेसिकली सबके आपको सेम नजर आएंगे लेकिन लोअर में कुछ डिफरेंस होगा, वही वहाँ से ही आप पकड़ेंगे इसके साइड डिटरमिनेशन को किस तरीके से पता लगाएंगे आप। मीडियल और लेटरल साइड पे आपको खास कर पे फोकस करना है, तो लेटरल साइड की बात करें हम इसकी, लेटरल साइड पर तो 2 ओवल्स फैसेट मिले, जैसे कि आपको पता है थर्ड मेटाकार्पल को आपको क्या मिले थे, 2 ओवल फैसेट मिले थे, तो यहाँ भी आपको मिल रहे हैं, तो बेसिकली ये किसके लिए मिल रहा है, ये थर्ड मेटाकार्पल के लिए, ये इस पे जब थर्ड पे मिले तो फोर्थ के लिए, और फोर्थ मिले तो थर्ड के लिए। फिर उसके बाद आप करें इसकी फोर्थ मेटाकार्पल पे, तो इसके मीडियल साइड की बात करें, मीडियल साइड यानी कि ये वाली सरफेस,
मीडियल साइड पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर इलोंगेटेड आर्टिकुलर स्टेप मिलेगी, वो भी किसके लिए, फिफ्थ मेटाकार्पल के लिए, यानी कि इलोंगेटेड दिख रहा है, ठीक है, आर्टिकुलर स्टेप मिलेगी यानी कि एक दूसरे से जुड़ सकें इससे की। फिर उसके बाद आती है इसके फिफ्थ मेटाकार्पल की, फिफ्थ मेटाकार्पल में भी ध्यान रखना आपको लेटरल साइड और उसके मीडियल साइड, लेटरल साइड की अगर बात करें तो उसमें हमें इलोंगेटेड आर्टिकुलर स्टेप मिलेगी, वो भी किसके लिए, फोर्थ मेटाकार्पल के लिए। और इसके फिफ्थ मेटाकार्पल की जो बेस होगी यानी मीडियल साइड जो होगी, मीडियल साइड जो होगी वो नॉन आर्टिकुलर होगी। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी से आर्टिकुलेट नहीं होती है, यानी कि हमारे सारे जॉइंट में जितने भी बोन्स होती हैं मेटाकार्पल की तो एक दूसरे से अटैच रहती हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से जुड़ी रहती हैं इससे, लेकिन ये यहाँ किसी से अटैच नहीं होती है, देख लीजिएगा अच्छे से। सो ये तो था इसका साइट डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। अगर इसका आर्टिकुलेशन की बात आ जाए तब आप आर्टिकुलेशन कैसे बताएंगे, बेसिकली तो आपको कुछ नहीं करना है, आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन पे ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। आपके पास पिक्चर है, पिक्चर में आपने पिक्चर बनाया, अब आर्टिकुलेशन देखना ध्यान रखना है। अगर हम बात करें फर्स्ट मेटाकार्पल की तो आपको दिखता होगा जैसे मैंने प्रीवियस बताया था वीडियो में, इस तरीके से इस पर ध्यान रखना, यहाँ पर ये क्या है ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम के साथ क्या कौन हो रही है अटैच हो रही है फर्स्ट मेटाकार्पल, तो ये इसका आर्टिकुलेशन किसके साथ हो गया, पहले हो गया ट्रेपेजियम के साथ। तो ये जो जॉइंट बनाता है इसे बोलते हैं सैडल जॉइंट, सैडल से टाइप का बनाता है जॉइंट, ध्यान रखना। हम एक जॉइंट जो आपको बताएंगे कौन कौन से टाइप के जॉइंट होते हैं तब वो अलग वीडियो बताएंगे। फिर उसके बाद आती है सेकंड मेटाकार्पल बोन, सेकंड मेटाकार्पल बोन में बेसिकली आप ध्यान देखिए ये किस किस से अटैच है, आर्टिकुलेट है, यानी कि ट्रेपेजियम से भी है, ट्रेपेजॉइड से है, फिर साथ में कैपिटेट से है, फिर थर्ड मेटाकार्पल बोन से भी क्या है ये आर्टिकुलेट है। फिर बात करें हम थर्ड मेटाकार्पल की किस से आर्टिकुलेशन है इसका, तो यानी कि थर्ड मेटाकार्पल जो बोन है वो बेसिकली सेकेंड मेटाकार्पल बोन और फोर्थ मेटाकार्पल बोन के दोनों साइड से क्या है, लेटरल और मीडियल साइड से आर्टिकुलेशन है। फिर उसके बाद इसका कैपिटेट से आर्टिकुलेशन है। फिर उसके बाद मैं बात कर दूँ इसकी फोर्थ मेटाकार्पल की, तो फोर्थ मेटाकार्पल बेसिकली ये आर्टिकुलेट है थर्ड मेटाकार्पल से, यहाँ पर कैपिटेट से इसके बेस से, और यहाँ पर आपको मिलेगी हेमेट, हेमेट के साथ भी आर्टिकुलेट है ये, और ये फिफ्थ मेटाकार्पल बोन से भी आर्टिकुलेट है। फिर इसकी बात आती है कि फिफ्थ मेटाकार्पल किससे आर्टिकुलेशन है, तो इसका बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हेमेट से है, फोर्थ मेटाकार्पल से है, ये दो से आर्टिकुलेट है। ये तो था इसके बेस के आर्टिकुलेशन। अगर उसके अपर एंड की बात करें तो बेसिकली आप बता सकते हैं कि ये फ्लेंजेज होती हैं, प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस सारी होती हैं ऊपर, यानी फ्लेंजेस मैंने आपको बताया प्रॉक्सिमल, डिस्टल और इंटरमीडिएट इस तरीके से। तो यहाँ पर हम जॉइंट की बात कर लेते हैं, जॉइंट पर ध्यान रखिएगा वो मेटाकार्पल जॉइंट, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। फिर इस तरीके से ही अगर यानी कि मेटाकार्पल और मेटाकार्पल दोनों में एक दूसरे में क्या हो रही है, अटैच हो रही है, तब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इंटर मेटाकार्पल जॉइंट, एक दूसरे के साथ बन रही है इंटर मेटाकार्पल जॉइंट। अगर इस कार्पल जॉइंट, मेटाकार्पल जॉइंट की अगर अब बात करें हम ऊपर की अपर साइड यानी डिस्टल पार्ट पर, तो ये कौन सा होगा, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट आपको इस तरीके से बता देना है। हम जो जॉइंट बोलते हैं पहले हम क्या करते हैं प्रॉक्सिमल बोन को नाम देते हैं, प्रीफिक्स लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्टल बोन को, यानी कि जैसे कि कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, तो इस तरीके से हमें बताना होता है। अब हम बात करेंगे इसका ऑसिपिएशन, ऑसिपिएशन कब और किस तरीके से होता है, तो उस पर खास करके ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहीं पे क्या होते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, उनको समझ नहीं आता है ऑसिपिएशन। तो ऑसिपिएशन की अगर बात करें हम, तो यहाँ समझ लीजिएगा आपको यहाँ पर प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर ऑसिफाई सेंटर मिलेंगे बेसिकली। तो बेसिकली मैं बात कर लेता हूँ उसके पहले प्राइमरी ऑसिफाई सेंटर की, तो प्राइमरी ऑसिफाई सेंटर जो होगा बेसिकली वो आपको इसके जो जितने भी दिख रहे हैं इसके साफ दिख रहे हैं, इन सब में आपको प्राइमरी ऑसिफाई सेंटर मिलेंगे। और बेसिकली ये कब अपीयर होगा अगर बात करें हम, जो मिड पॉइंट में, यानी कि नाइन्थ वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में अपीयर होगा, यानी कि इसके साफ्ट में प्राइमरी सेंटर अपीयर होगा, यानी कि इसके भी होगा, इसके भी हो गए, सबके साफ्ट में प्राइमरी ऑसिफाई सेंटर अपीयर होगा। अब सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर की बात करते हैं हम, तो सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर के लिए बेसिकली जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है वो यहाँ पर आपको इसके बेस पर मिलेगा सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर। तो ये प्राइमरी ऑसिफाई सेंटर होगा बेसिकली, वो सारे मेटाकार्पल बोन में तो हो गई होगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये नाइन्थ वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लैब में अपेयर होगा। और जब फ्यूजन की अगर बात करें हम बेसिकली, तो ये 15 to 17 ईयर में क्या होगा, ये फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज कैसे होगा, यानी कि हमारे जो यानी कि डिस्टल और प्रॉक्सिमल पार्ट जो होते हैं इसके, वो एक साथ बाइंड हो जाते हैं।
फिर ये तो था प्राइमरी ऑसिफाई सेंटर। अब हम बात करेंगे इसके सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर की। तो सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर होगा जो बेसिकली वो आपके कुछ यहाँ मिलेगा आपको। सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर यानी कि फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है, तो फर्स्ट मेटाकार्पल में यानी कि इसमें आपको बेस पर नजर आएगा, यहाँ बेस पर नजर आएगा, और जितने भी आपको फोर्थ दिख रहे हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको मेटाकार्पल बोन, इनके आपको यहाँ पर डिस्टल एंड पर नजर आएगा आपको सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर। तो हम इसकी पहले बात कर लेते हैं हम फर्स्ट मेटाकार्पल बोन की, जो हमारे क्या बनाता है, थंब बनाता है आगे चल के। तो ये सेकेंडरी ऑसिफाई जो सेंटर होगा बेसिकली ये वाला, ये अपीयर होता है सेकेंड टू थर्ड यानी कि 2 से 3 साल की एज में ये अपीयर हो जाता है। फिर इसके बाद मैं आपको बता दूँ इसके जो डिस्टल एंड पे सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर अपीयर होते हैं वो बेसिकली यहाँ सब में जो है अपीयर होंगे, ध्यान रखना। तो इन सब में बेसिकली ये कब अपीयर होते हैं अगर बात कर लें हम, तो यानी कि 1.5 यानी कि 1.5 और 2 एंड हाफ यानी कि 1.5 से 2.5 तक, 1.5 साल या फिर 2.5 साल तक के बीच में ये कभी भी अपीयर हो सकता है, इतना टाइम ले लेता है बेसिकली। और अगर इसकी फ्यूजन की बात करें हम, ये कब हमारे शाफ्ट से फ्यूज होता है, वो बेसिकली होता है 15 to 19 यानी कि 15 से 19 साल की एज में क्या हो जाता है, ये फ्यूज हो जाता है शाफ्ट से। सो दीज आर द ऑसिफाई सेंटर्स। तो ये तो था हमारा ऑस्टियोलॉजी ऑफ मेटाकार्पल बोन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके मसल अटैचमेंट की और क्लिनिकल एनाटॉमी की। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।